जी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का आप सभी इंतजार कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6000 रुपये 3 किस्तों में आपको केंद्र सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार देने का काम करता है। और ये DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा आदमी के स्वयं जो है अकाउंट में डलने का काम इसके अंदर करता है, बिचौलिया इसके अंदर कोई नहीं होता। तो 17 किस्त अब तक इसकी डल चुकी हैं साथियों। 18वीं किस्त 2000 रुपये, ये काम जल्दी कर लेना। इसको लेकर डायरेक्शन और 18वीं किस्त का डेट पूरा बताएंगे। ये अब नोटिस जारी करने का काम भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने किया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया है। जो देता हूँ सटीक विश्वसनीय देता हूँ, आँख बंद करके आप इस तरह मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो साथियों। ऑल ओवर इंडिया कहीं कन्फर्म कर लेना, एक वर्ड तक आपको गलत नहीं दूंगा। HD सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। HD सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, छोटा बड़ा आदेश हो, नए नियमों, योजनाओं बदलाव हो, कोई घोषणा हो, कोई ऐलान हो, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना हो, PM किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, BPL राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ATM कार्ड, बैंक लोन, PM आवास योजना, PM उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, दिखो मतलब हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। साथियों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं। पहले जो नोटिस, ये भिन्न भिन्न नोटिस जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जारी करने का काम केंद्र सरकार, भारत सरकार ने किया है। साथियों इन बातों का ध्यान रखें, 18वीं किस्त का लाभ उठाएं। भाई मैं डेट पहले इसको बता देता हूं, इसको समझ लो, डेट जो है फिर मैं बताऊंगा। दोस्तों अगर 17वीं किस्त आ गई है तो आपने ये काम, इनमें से एक भी काम आपका नहीं हुआ तो 18वां किस्त आपका नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपकी 17वीं किस्त नहीं आई है और आप 18वीं किस्त से पहले ये काम कर लेते हो तो आपकी 17वीं भी आ जाएगी, आपकी 18वीं भी आपके खाते में डाल दी जाएगी, ठीक है भाई। तो ये जो है सबसे पहले है अपने बैंक खाते को, मैंने ये सब अलग अलग करके ऑनलाइन मैंने करके दिखा रखा है भाई, ऑनलाइन, हाँ सैकड़ों बार। अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक रखें, इसे आधार सीडिंग, आधार लिंकिंग कहा जाता है, आधार बैंक सीडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। आप बैंक खाते के अंदर आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ठीक है, ये डन है, नो टेंशन हो। साथियों अपने बैंक खाते की आधार सीडिंग जो है आप जांच लेना, मैंने ये भी आपको करके दिखा रखा है। एक मिनट लगता है आधार कार्ड, एक मिनट नहीं लगता, 10 सेकंड में आप चेक कर पाओगे आपका आधार कार्ड के साथ बैंक लिंक है या नहीं है। और कल स्पेशल वीडियो इस पे बना दूंगा, नो टेंशन हो, ठीक है, बैंक कौन सा खाता आपका लिंक है या नहीं है, ठीक है, आधार कार्ड के साथ। तो साथियों ये आपको जाना है। दूसरा अपना जो है DBT विकल्प एक्टिव रखें, अपना DBT विकल्प। दूसरा जो है आपका साथियों DBT जो है स्टेटस ऑनलाइन होना चाहिए, जब आप ये चेक करते हो वहीं आपका, जिसका आधार लिंक है बैंक के साथ उनका DBT स्टेटस एक्टिव होता है, ऑन होता है, ये भी मैं चेक करके आपको दिखा दूंगा कल, ठीक है। एक ही वीडियो में सारी चीज़ ऑनलाइन चेक करके दिखाऊंगा, आप दिखाऊंगा तो बहुत लंबा बन जाएगा, बाकी मैंने डाल रखी है ऑलरेडी। साथियों दूसरा है आपका लैंड, आपका जो है सीडिंग जिसे कहा जाता है, यानी लैंड वेरिफिकेशन कह लो, भूमि का सत्यापन कि हाँ ये मेरी ज़मीन है, खसरा नंबर जिसने करवा रखा है पहले ही उसको नो टेंशन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसने नहीं करवाया करवा लेना, 17वां आपका आ गया तो 18वां नहीं आएगा, 17वां नहीं आया तो 18वां भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला है अपना EKYC। भाई EKYC कहते हैं, EKYC नो यूअर कस्टमर, नो यूअर कस्टमर यानी ये बायोमेट्रिक से भी होता है या आधार कार्ड की OTP से भी हो जाता है, ठीक है। आपकी जो है कस्टमर को जानता है हाँ भाई ये है या नहीं है, ठीक है, एक OTP जाता है, आप OTP टाइप करिए, ठीक है, घर बैठे ये तीनों काम हो जाते हैं, किसी के लिए कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो यूअर स्टेटस का एक ऑप्शन होता है, इसके अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, फिर 18वीं किस्त का मैं बता देता हूँ आपको। PM किसान जो है या नो यूअर स्टेटस पर जब आप जो है क्लिक करोगे, PM किसान गूगल में आपको क्या करना है, PM किसान क्या डालना है भाई, आपको गूगल के अंदर टाइप करना PM किसान। जैसे ही आप गूगल के अंदर PM किसान टाइप करेंगे, प्रधानमंत्री किसान का ऑफिशियल जो वो है वो आपका समक्ष आ जाएगा, आपको फर्स्ट वाला जो लिंक है इसी पर क्लिक कर देना। यहाँ देखो ऑफिशियल पोर्टल पर भी चल रहा है, EKYC इज मैंडेटरी फॉर PM किसान रजिस्टर्ड फार्मर्स, यानी EKYC जरूरी है। यहाँ से आप चेक कर पाएंगे नो योर स्टेटस, ये आपका ऑप्शन आ गया नो योर स्टेटस का, ये नीचे भी आता है नो योर स्टेटस, ठीक है, नो योर स्टेटस, यहाँ नो योर स्टेटस पर जैसे आप क्लिक करते हैं भाई आपका जो है नो योर स्टेटस ये खुल के आ जाता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, कैप्चा कोड फिल करिए, गेट OTP जाएगा और सीधा आपका तीनों दिखा देगा, यस यस नो नो, ठीक है। जो अगर एक भी ऑप्शन नो है
तो भाई आपका किस्त नहीं डलेगा, करवा लो जल्द जल्दी से, आपका 18वां डल जाएगा। अगर तीनों यस हैं, ग्रीन टिक है, तो नो टेंशन रहो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, जो रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें, यहाँ अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर टाइप करें, कैप्चा कोड जाएगा, ओटीपी डालिए, आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन आपका आ जाएगा, ठीक है, मैसेज के माध्यम से, ठीक है। अब 18वीं किस्त की बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वां जो किस्त आपका सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका जारी कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है आपका सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका किस्त डाल दिया जाएगा। कब आएगा? या तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह। अभी तक कोई निश्चित तारीख 18वीं के लिए नहीं कही, बाकी 18वीं डेट एक सप्ताह जरूरी इन्होंने कृषि विभाग के जो अधिकारी उन्होंने जारी कर दिया है कि या तो सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी कर देंगे या अक्टूबर के पहले में। और ये जो है वेटिंग फॉर स्टेट अप्रूवल आना शुरू हो चुका है, पैसा रिलीज होना शुरू हो चुका है, लेकिन बैंक में जब जाता है मोदी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, वहाँ बटन दबाते हैं तब आपका पैसा रिलीज बैंक करते हैं, ठीक है। बैंकों को भेजना इन्होंने शुरू कर दिया है, ये एक प्रोसेस होता है जो एक महीने पहले शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है हमने आपको दिखाया भी था उस समय। तो साथियों अक्टूबर के प्रथम सप्ताह या सितंबर के अंतिम सप्ताह में आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 18वां किस्त डलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है जानकारी पसंद आए होगा, चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ कर अपील करते हैं, ये एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक होता है हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।